हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम क्रिएट करने वाले हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, जिसमें हम मर्न स्टैक का यूज़ करेंगे, यानी कि MongoDB, Express.js, React.js और Node.js का यूज़ करने वाले और एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके से आप जो है मेरे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और भी मर्न स्टैक और रिएक्ट जेएस से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और आई बटन पे भी मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो कोड स्टार्ट करने से पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देख लेंगे। आई नो सभी को पता है कि कौन से सॉफ्टवेयर इसमें लगते हैं, फिर भी अगर कोई न्यू कमर है तो उसके लिए बता दूं कि इसमें हम जो है नोड का यूज़ करेंगे, तो आपको नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहां से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, nodejs.org, और यहाँ से आप LTS वर्जन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट या PowerShell यूज़ कर सकते हैं, और मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको सर्च करना है node-v। तो यहाँ पर आपको नोड का जो इंस्टॉल वर्जन है वो शो करेगा। देखिए मेरे केस में 14.18 है, और अभी LTS वर्जन 18.12 यहाँ पर है, तो आप इस 18.12 वाले को ही डाउनलोड करें। इसी के साथ में हमको नोड पैकेज मैनेजर भी मिलता है, जिसे हम NPM कहते हैं, इसका वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में देखिए 6.14 है, आपके केस में जो भी रहेगा अबव 5 होना चाहिए। अभी अगर आप 18 का यूज़ करेंगे LTS वर्जन, तो आपको हायर वर्जन ही देखने मिलेगा। इसके बाद में हम Express.js का यूज़ करेंगे। Express.js क्या है? ये Node.js का फ्रेमवर्क है, जिसमें हम REST APIs को जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हम फ्रंट एंड के लिए जो है React का यूज़ करेंगे। React क्या है? ये एक JavaScript की लाइब्रेरी है, जिसमें हम यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं। तो ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। आई नो बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट इसकी देख सकते हैं। उसके बाद में डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर NoSQL MongoDB डेटाबेस यूज़ करेंगे, और आप चाहे तो इसका लोकल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एटलास क्लाउड है, और यहाँ पर कम्युनिटी सर्वर जो है तो ये लोकल है, तो लोकली आप अपने सिस्टम में भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एटलास यूज़ करना है, यानी क्लाउड डेटाबेस को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर डेटाबेस पर क्लिक करिए, यहाँ से आप लॉगिन हो जाइए। फर्स्ट टाइम अगर आप साइन अप करेंगे तो 500 MB आपको फ्री डेटा इसमें मिल जाता है, तो उसमें हम कंप्लीट प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी अगर डेटा की ज़रूरत पड़ती तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले में हमारा काम हो जाता है। उसमें हम मल्टीपल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी उसमें कोई ना कोई डेटाबेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप मल्टीपल डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको लिमिट है 500 MB की। तो जब तक कि वो फिल नहीं होता तब तक हम उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद में IDE के लिए, यानी टेक्स्ट एडिटर के लिए, हम विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये सभी के लिए अवेलेबल है, विंडोज़, मैक, लिनक्स, तो काफ़ी पावरफुल एडिटर है। और मर्न स्टैक या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी अगर आप कोड लिखेंगे तो उसके लिए रेकमेंडेड है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को जो है यूज़ करें, इसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल या फोल्डर क्रिएट करना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो एच ड्राइव के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम हम रख सकते हैं डॉक अपॉइंटमेंट सिस्टम। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नोड पैकेजेस को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर इस पाथ पे आपको क्या करना है, CMD टाइप करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि हम क्या करेंगे इस पाथ पे जो है ना NPM को इनिशियलाइज करेंगे, यानी पैकेज मैनेजर को हमको यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम डिपेंडेंसी को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे NPM init-y, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर सारे आंसर जो है फिल हो जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल जो है सारा का सारा वहाँ पर ऐड करते रहना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको वाई फ्लैग ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये फिल कर देगा सारी चीज़ों को। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा पैकेज जेसन का फाइल यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप इसको जो है फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पैकेज जेसन का फाइल जो है बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है कोड डॉट, अगर आप कमांड लाइन या फिर PowerShell यूज़ कर रहे हैं या फिर टर्मिनल भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको लिखना है कोड डॉट, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर आप जो है रिएक्ट का कोड, नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस का कोड जो है ईजिली लिख सकते हैं। तो बेसिक सेटअप हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सर्वर को क्रिएट करेंगे। लेकिन कोड लिखने से पहले मैं आपको जो है कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन के टैब पर क्लिक करना है,
और यहाँ से देखिए ऑटो क्लोज टैग, ऑटो इंपोर्ट टैग, ऑटो रीनेम, और आप चाहे तो थीम के लिए भी लॉगिन यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। आप .env का भी जो है पैकेज इंस्टॉल करके रखें, ये एक्सटेंशंस है। और यहाँ पर देखिए मेन ये है ES7 React Redux React Native Snippet, इसको आपको जो है इंस्टॉल करना है। और इसके बाद में HTML to JSX ये वाला एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। और नीचे एक और है आई थिंक, चेक कर लेते हैं, और प्रीटियर का प्लगइन भी आपको जो इंस्टॉल करना है। और मेक श्योर जैसे आप प्रीटियर इंस्टॉल कर लेंगे या फिर बाय डिफॉल्ट भी अगर आपके केस में आता है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से मेन सेटिंग, और यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करें इसको चेक मार्क कर लें। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा, और साथ ही में बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे नीचे आप देखिए रिकमेंडेड है, या फिर आप चाहे तो स्पेसिफिक जो है सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए या फिर आपने कुछ देखा हो कहीं पर, तो आप उसको जो है इजिली जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आप एक्सटेंशन भी जो है डाउनलोड करके रखेंगे तो कोड लिखने में थोड़ा आसानी होगी, और इनकेस अगर मेरे उसमें कुछ भी ऑटो फॉर्मेट हो जाता है तो आपको ऐसा न्यू ना लगे, इसलिए मैंने आपको जो है एक्सटेंशन स्टार्ट में बता दिया। आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें, उससे काफ़ी आपका जो है टाइम बचेगा।